Hello students, today we will start signals and systems, okay? But before starting the topics, first we need to understand that why we should study signals and system and what we will study in signals and system, okay? So first of all, why? क्यों पढ़ना है हमें signals and system, okay? So अगर मैं यहाँ पर exam point of view से बोलूँ, तो आप gate के exam में 7 to 8 marks के question every year expect कर सकते हैं signals and systems से, okay? इसलिए आपके लिए बहुत important है, क्योंकि 7 और 8 marks आपके लिए बहुत ही बड़े marks है, अगर gate point of view से हम लोग बात करें तो, ठीक है? तो ये आपका exam point of view से है, कि signal और system से कितने questions आपके आते हैं. Now, अगर मैं बात करूं other subjects पे, इसका क्या effect है? तो ये actually बहुत ही ज़्यादा huge है. I don't think कि गेट के किसी भी और सब्जेक्ट का बाकी सब्जेक्ट पे इतना अफेक्ट होगा जितना सिग्नल एंड सिस्टम का बाकी सब्जेक्ट पर है. तो अगर मैं बात करूं यहां पर कम्युनिकेशन सिस्टम की, ओके, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको हमेशा हर एक सिग्नल के लिए बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है ना, चाहे वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो चाहे वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो. फॉर एवरी सिग्नल यू नीड टू कैलकुलेट बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ कैलकुलेशन के लिए हमें चाहिए होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, ओके? दैट मींस अगर हमें किसी सिग्नल की बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी है तो हमें उस टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है, जिसके लिए हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म की नीड होती है, जो हम लोग स्टडी करते हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम में, ठीक है? अब अगर मैं यहां पर बात करूं कंट्रोल सिस्टम की, तो कंट्रोल सिस्टम में नाम में देखो आपका सिस्टम है, ठीक है ना, तो कंट्रोल सिस्टम में तो आपको सिस्टम का ही एनालिसिस करना है, और सिस्टम का बेस आप कहां पर पढ़ते हो, सिग्नल एंड सिस्टम में. तो पहला तो सिस्टम है जो आपको अच्छे से आना चाहिए कंट्रोल सिस्टम स्टडी करने के लिए, जो आप सिग्नल सिस्टम में पर स्टडी करते हो. सेकंड है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आपको कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन से डील करना होता है, ओके, और ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेशन के लिए आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म अच्छे से आना चाहिए, जो अगेन आप स्टडी करते हो सिग्नल्स एंड सिस्टम में, ओके. नाउ अब अगर मैं यहां पर बात करूं नेटवर्क थ्योरी की, ओके, तो नेटवर्क थ्योरी में भी बहुत से आपके वोल्टेज और करंट के इक्वेशन जो हैं वो कई बार इक्वेशन के फॉर्म में ना देते हुए फिगर के फॉर्म में दे देता है, आपको करंट वेव फॉर्म बना देगा, वोल्टेज वेव फॉर्म बना देगा. उन वेव फॉर्म्स को अगर आप इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो किसी भी सिग्नल को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम स्टडी करते हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम में, ओके. तो अगर मैं बात करूं आपके, तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो 10 मार्क्स के लगभग आता है एग्जाम में, कंट्रोल सिस्टम भी आपका 7 to 8 मार्क्स के लगभग आता है एग्जाम में, और नेटवर्क थ्योरी भी 7 to 8 मार्क्स का आता है एग्जाम में, ओके. तो अगर आप देखो यहां पर तो सिग्नल एंड सिस्टम तो 7 to 8 मार्क्स का आता है, ठीक है, लेकिन ये बाकी सब्जेक्ट्स जो कि 10 मार्क्स या 7 to 8 मार्क्स के आते हैं उन पे भी अच्छा खासा अफेक्ट डालता है, ठीक है. तो हमें किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सिग्नल एंड सिस्टम को जरूर स्टडी कर लेना चाहिए, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ओके. यहां पर मैं आपको एक बात जरूर डिस्कस करूंगा कि ये जो सब्जेक्ट है आपका प्योरली मैथमेटिकल सब्जेक्ट होता है, इसका जो आप बोल सकते हैं थ्योरिकल पार्ट है वो आप मेनली स्टडी करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, ओके. तो यहां पर आप लोग बेसिकली मैथमेटिकल पार्ट का ज्यादा एनालिसिस करने वाले हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम में, ओके. तो एक्चुअल में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं सब्जेक्ट में वो हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में. तो हम लोग यहां पर फर्स्ट चैप्टर जो स्टडी करेंगे That will be basics of signals. Okay? हम लोग signal का detail में analysis करेंगे. Okay? तो इस chapter के अंदर हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये जो पूरा signal है आपका वो continuous time signal और discrete time signal में divided है. तो आपको इस chapter में सबसे पहले continuous and discrete signal को study करना होगा. उनके basics आपको study करने होंगे. ठीक है, कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल की डेफिनेशन क्या होती है, किस टाइम इंस्टेंट पे डिफाइन होता है, या इट इज डिफाइंड फॉर ऑल टाइम इंस्टेंट,
Same for discrete time signal. Each and everything you need to study. Okay? फिर हमें continuous के types, classification of continuous time signal, एक एक signal को, like step, ramp, rectangular, हर एक signal को बहुत detail में study करना होगा. Same हमें discrete के types को भी बहुत detail में study करना है. Okay? उसके बाद इस chapter के अंदर हम लोग पढ़ेंगे classification of signal. Okay? तो classification of signals के अंदर आप लोगों को स्टडी करना होगा लाइक इवन एंड ऑड सिग्नल क्या होते हैं, आपके पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या होते हैं, ठीक है ना, आपके कॉजल एंड नॉन कॉजल और एंटी कॉजल सिग्नल क्या होते हैं, ठीक है, रैंडम एंड डिस्क्रीट सिग्नल क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको स्टडी करनी होगी क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स में. ओके, तो यहां पर अगर मैं आपको बात करूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने मार्क्स का ये आता है ये चैप्टर से, तो एक बात मैं आपको यहां क्लियरली बोलना चाहूंगा, ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी यू कैन एक्सपेक्ट वन मार्क और टू मार्क, नॉट एवरी ईयर बट यू कैन एक्सपेक्ट, स्पेशली फ्रॉम क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल से. ओके, लाइक इवन एंड ऑड सिग्नल, एनर्जी और पावर सिग्नल, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, ये तीन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जिनमें से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में. बट ये चैप्टर जो है ना आपका ओवरऑल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप सिग्नल्स का बेसिक स्टडी नहीं कर लोगे कि सिग्नल्स क्या होते हैं, उनको ड्रॉ कैसे किया जाता है, बेसिकली आप इस चैप्टर में ऑपरेशंस भी पढ़ोगे, ऑपरेशंस ऑन सिग्नल. ओके, तो बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं सिग्नल्स पे लाइक स्केलिंग, शिफ्टिंग, ठीक है ना, टाइम रिवर्सल, ये सारे ऑपरेशन आपके क्या होते हैं, क्या रिलेशन होता है आपका स्टेप रैंप एंड इम्पल्स में, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करोगे, तो बेसिकली आपको टोटली सिग्नल्स का एक एनालिसिस मिल जाएगा इस चैप्टर के थ्रू, जो कि अफेक्ट करेगा आपके टोटल सिलेबस को. क्योंकि सिग्नल एंड सिस्टम में आगे जाके सपोज करो अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ते हो और आपको कोई सिग्नल दे देता है, तो जब तक आप उस सिग्नल को एनालाइज कर नहीं पाओगे तब तक आप उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल पाओगे, तो उस सिग्नल का आप एनालिसिस कैसे कर पाओगे, जब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आएगा. ओके, तो ये चैप्टर जो है सिग्नल सिस्टम के बाकी सिलेबस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा, साथ ही साथ जो अदर सब्जेक्ट है, स्पेशली अगर मैं बात करूं यहां पर आपकी नेटवर्क थ्योरी में, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी में करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म दी होती है कई क्वेश्चंस में, तो उसको इक्वेशन के फॉर्म में उस सिग्नल को एनालिसिस कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ने को मिल जाती हैं. ओके, तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए. ओके, नाउ अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर टू जो हम स्टडी करेंगे यहां पर, वो हम स्टडी करेंगे सिस्टम्स, बेसिक ऑफ सिस्टम. ओके, तो यहां पर सिस्टम्स के अंदर हम लोग पहले ये स्टडी करेंगे कि सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना, सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, उसके बाद हम लोग बेसिकली यहां पर टाइप्स ऑफ सिस्टम स्टडी करेंगे. हम लोग सारे सिस्टम स्टडी करेंगे, लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम. ओके, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम. ओके, और हम लोग स्टडी करेंगे स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम. ओके, इसके अलावा हम स्टडी करेंगे इन्वर्टिबल, ओके, और नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम. तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम स्टडी करेंगे. हम ये भी स्टडी करेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम. ओके, तो ये बहुत सारे सिस्टम हमें स्टडी करने होंगे. हम वन बाय वन सारे सिस्टम स्टडी करेंगे और उस पर हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ताकि हमें एग्जाम में अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है और पूछता है कि दिस इज अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंट्स वन सिस्टम, तो वो सिस्टम आपका क्या होगा, तो हम बड़े आराम से उसको बता पाए. ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, अगर मैं सिग्नल सिस्टम की बात करूं, ठीक है, हर बार इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं गेट के एग्जाम की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं यहां पर, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि ये आपको इस चैप्टर के थ्रू बेसिक्स ऑफ सिस्टम का एनालिसिस मिल जाता है, और अगर आप बेसिक्स ऑफ सिस्टम समझ जाते हैं ना,
तो यहां पर जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें आपको काफी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में आपको सिस्टम का ही एनालिसिस करना होता है. ओके तो ये चैप्टर उस तरीके से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट अगर मैं सिग्नल सिस्टम के हिसाब से बोलूं, एग्जाम में सिग्नल सिस्टम में इस टॉपिक से क्या बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है हर साल? नहीं. ठीक है ना, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस, वी विल प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, बट एवरी ईयर यू कांट एक्सपेक्ट. ओके नाउ अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 3 की, तो ये चैप्टर जो है ये सिस्टम ही, बट ये आपका एक्चुअल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर, LTI सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. बेसिकली हमने यहां पर क्या किया, लास्ट चैप्टर में जो हमने लीनियर सिस्टम और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम स्टडी किया था ना, उन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया और हमारा सिस्टम बन गया लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है आपके लिए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपके लिए सिग्नल एंड सिस्टम में. उसके अलावा अगर कंट्रोल सिस्टम की बात करूं, तो कंट्रोल सिस्टम में आप LTI सिस्टम ही यूज करते हैं, तो कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से भी आपको LTI सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए. ओके तो यहां पर बेसिकली LTI सिस्टम के अंदर हमें क्या स्टडी करना होता है, हमें स्टडी करना होता है कंटिन्यूअस कॉन्वोल्यूशन एंड डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन. तो इस पूरे चैप्टर में हम डिटेल्ड में कॉन्वोल्यूशन का एनालिसिस करते हैं. ओके और हम इस चैप्टर में जो सिस्टम का एनालिसिस करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स करते हैं. ओके तो इस चैप्टर में भी फॉर LTI सिस्टम हम लोग एनालिसिस करेंगे कि सिस्टम LTI सिस्टम आपका कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा. ओके कब वो कॉजल होगा, कब वो नॉन कॉजल होगा, कब वो स्टैटिक होगा, कब वो डायनेमिक होगा, ये सारी चीजें स्टडी करेंगे. लेकिन ये बात बिल्कुल फिक्स होगी इस चैप्टर में कि जो आपका सिस्टम है वो LTI तो है ही, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम तो वो है ही. ठीक है तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक होगा वो कॉन्वोल्यूशन ही होगा. ओके और आप इस चैप्टर में से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक में से 1 or 2 मार्क्स का. ओके इसके अलावा इस चैप्टर में आप एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करते हैं, दैट इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन. ओके इसमें से आप क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्ट करेंगे, डायरेक्टली आपको आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन बोल के क्वेश्चन नहीं आता है सिग्नल सिस्टम में से, बट ये जो टॉपिक है ना ये आने वाले टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म. ओके बहुत जगह ये टॉपिक आपका यूज होगा, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन. तो इसका भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, लेकिन जो इसके मेनली क्वेश्चंस करेंगे वो हम लोग यहां पर तो करेंगे ही करेंगे, और साथ ही साथ लाप्लास, फोरियर और जेड ट्रांसफॉर्म में भी जरूर करेंगे. ओके तो ये चैप्टर आपका आप देख सकते हैं काफी सारे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन एक्चुअली एवरी ईयर. मैं गारंटी नहीं बोल रहा कि हर साल ये क्वेश्चन आएगा, बट आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक में से, इस सब चैप्टर में से. ओके तो ये मैं अभी तक जो हमने स्टडी किया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, तो अभी तक का ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, चैप्टर नंबर 3 LTI सिस्टम. नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टडी करेंगे आफ्टर LTI सिस्टम वो होगा आपका फोरियर सीरीज, चैप्टर नंबर 4. ओके तो फोरियर सीरीज जो हम लोग यहां पर भी स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे हम लोग कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज. ओके तो कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, किसी भी सिग्नल XT को जो कि पीरियोडिक होगा बट नॉन साइनोसॉइडल होगा. ओके इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे पीरियोडिक साइनोसॉइडल सिग्नल में. ओके तो ये हमारा टारगेट होगा कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज में. ठीक है ना, किसी भी पीरियोडिक नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल को वी विल कन्वर्ट पीरियोडिक साइनोसॉइडल सिग्नल. ओके उसके अलावा फोरियर सीरीज में हमें 3 टाइप्स की फोरियर सीरीज स्टडी करनी है, विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक, ओके एंड
amplitude angle form of Fourier series, and third most important, exponential or complex Fourier series. Okay, तो ये Fourier series जो है सबसे ज़्यादा important होगी, हम लोग discuss करेंगे, ठीक है, कि अगर हम लोग exponential या complex Fourier series calculate कर लें, तो बाकी Fourier series बहुत easily calculate की जा सकती है, उसके लिए हमें अलग से कोई analysis करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, और सबसे कम जो calculation होता है, वो आपका इसी Fourier series में होता है, भले इसका नाम complex है, बट सबसे ज़्यादा calculation wise अगर कोई easy होता है, तो वो exponential या complex Fourier series ही होती है, तो ये सारी चीजें भी हम detail में study करेंगे Fourier series में, okay, now next chapter की अगर मैं बात करूँ chapter number 5, तो हम लोग यहाँ study करेंगे continuous time Fourier transform. Now अगर मैं बात करूँ अभी तक के लिए, तो अब ये आपका सबसे important chapter बन जाएगा, और जो LTI system है वो second most important chapter बन जाएगा. तो अभी तक के जो हमने total 5 chapter के नाम लिखे हैं, उसमें सबसे important आपका continuous time Fourier transform ही है. आप हर साल, ठीक है ना, 2 to 3 marks के question इसमें से expect कर सकते हो. हो सकता है एक question 2 marks का हो जाए, या हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाएं, एक 2 मार्क्स का और एक 1 मार्क्स का. और उसके अलावा भी ये जो कंटीन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये कंप्लीटली बोल सकते हो कंप्लीटली अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन सिस्टम को, क्योंकि जब तक आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं आएगा, आप कम्युनिकेशन में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम नहीं बना पाओगे, और जब तक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम नहीं बना पाओगे, आप किसी भी सिग्नल की बैंडविड्थ कैलकुलेट नहीं कर पाओगे. तो एक्चुअल में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिग्नल्स एंड सिस्टम में. ओके, तो कंटीन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में अगर मैं बात करूं कि बेसिकली हमें स्टडी क्या करना है, तो इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हम स्टैंडर्ड सिग्नल लेंगे, जिनके हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे. ओके, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना फोरियर ट्रांसफॉर्म में, वो होता है उसकी प्रॉपर्टीज. ओके, आप हर एक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म उसके फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. ये हम लोग स्टडी करेंगे कि बहुत सारे सिग्नल ऐसे होंगे, जैसे कि सपोज करिए मैं आपको बोलता हूं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है xf इज इक्वल टू माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट xt e की पावर माइनस j2 पाई ft dt. ओके, तो सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला है आपका xt के फोरियर ट्रांसफॉर्म का. ओके, तो आप सोच रहे होगे बड़े आराम से यहां पर xt की वैल्यू पुट करके उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा, लेकिन आप देखोगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म के, कि ऐसे-ऐसे कॉम्प्लेक्स xt के इक्वेशंस होंगे जिसके लिए इंटीग्रेशन कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होगा. तो उस केस पे हमें क्या नीड होगी प्रॉपर्टीज की, कि हम प्रॉपर्टीज को अप्लाई करें डिफरेंट डिफरेंट और फोरियर ट्रांसफॉर्म का कैलकुलेशन करें. तो यहां पर आपको प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म की. ओके, इसके अलावा फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम एंड सिग्नल्स की. ओके, क्योंकि बैंडविड्थ का एनालिसिस हमें आगे जाके कम्युनिकेशन सिस्टम में करना ही है, तो हम लोग बेसिक्स ऑफ बैंडविड्थ यहां पर स्टडी कर लेंगे. उसके अलावा हम लोग यहां पर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का भी ब्रीफली एनालिसिस कर लेंगे, ऑल्दो कम्युनिकेशन में से हम डिटेल में पढ़ेंगे ही जब हम रैंडम प्रोसेस स्टडी करेंगे, लेकिन यहां पर भी हम ब्रीफ में एनालिसिस कर लेंगे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का. इसके अलावा हम फोरियर ट्रांसफॉर्म में ही स्पेक्ट्रल डेंसिटी का भी डिटेल्ड एनालिसिस कर लेंगे, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, मेनली हम लोग यहां पर एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी का एनालिसिस करेंगे. ओके, उसके अलावा हम लोग यहां पर डिस्टॉर्शन लेस सिस्टम का भी एनालिसिस करेंगे इन केस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका सबसे बड़ा टॉपिक होगा कंटीन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म इन केस ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम, और आप ये भी बोल सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए ये चैप्टर नंबर 5. ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑल्दो अगर मैं सिग्नल सिस्टम के हिसाब से बात करूं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर मैं ओवरऑल बात करूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की इंपॉर्टेंस, तो वो ह्यूज है एक्चुअल में. क्यों?
क्योंकि अगर आपको नेटवर्क थ्योरी स्टडी करनी है, वहां पर अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, या आपको कंट्रोल सिस्टम स्टडी करनी है, वहां पर अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, ठीक है ना, एवरीवेयर अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन चाहिए तो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म आना ही चाहिए. ओके, तो एक तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्चुअली टॉपिक है, ठीक है ना. ऑल दो ये पूरा सब्जेक्ट ही है एक तरह से, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए बाकी सब्जेक्ट्स में, ठीक है ना. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में नेटवर्क थ्योरी में एक और जगह इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा, वो क्या है आपकी, नेटवर्क थ्योरी में जब आप ट्रांजिएंट की स्टडी करते हैं ना, तो ट्रांजिएंट में भी आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करने की जरूरत पड़ती है. अगर आप सर्किट को वाया यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर भी इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है ट्रांजिएंट में. उसके अलावा अगर आपको इंपेडेंसेस कैलकुलेट करने हैं कैपेसिटर के, इंडक्टर के, तो वो क्या होते हैं, इंडक्टर का क्या होता है आपका LS, कैपेसिटर का क्या होता है 1/CS. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका बहुत ही ज्यादा ओवर यूज होने वाला टॉपिक है आपका. तो जैसा मैंने कहा, सिग्नल सिस्टम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बहुत कम पूछा जाएगा, ठीक है ना. आता है क्वेश्चन, लेकिन एवरी ईयर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. बट अगर मैं बात करूं बाकी सब्जेक्ट्स में इसकी इंपॉर्टेंस की, तो वो बहुत ही ज्यादा है. इवन आप मैथमेटिक्स में भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टडी करते हो, ठीक है ना. तो अगर आप सिग्नल में अच्छे से स्टडी कर लोगे, तो मैथ्स में आपको दोबारा स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्लियर है अच्छे से. तो यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है बेसिकली. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर अगर सब्जेक्ट वाइज बात करूं मैं, सिग्नल सिस्टम के वाइज, तो यहां पर आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो होगा ROC, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. ओके, होता क्या है ना एक्चुअल में, कि बहुत सारे सिग्नल्स के फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइंड नहीं होते हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं रैंप सिग्नल, तो रैंप सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म इज नॉट डिफाइंड. ओके, पर अगर हमें रैंप सिग्नल का एनालिसिस करना है अब, तो हमें कोई ना कोई ट्रांसफॉर्म तो कैलकुलेट करना ही होगा उसका, ठीक है ना. तो हम क्या करते हैं, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. तो जिन जिन के फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइंड नहीं है, उनके हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं. लाप्लास ट्रांसफॉर्म कब एप्लीकेबल होगा, कब नहीं होगा, वो कैसे डिसाइड होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है. तो यहां हम सारी चीजें स्टडी करेंगे आरओसी के बेस पर, कि सिस्टम कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, ठीक है ना. ये चीजें भी हमें आरओसी से मिल सकती हैं. ओके, तो यहां पर बेसिक क्या है आपका, कि जिनके फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइंड नहीं होगा, उनके लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने की कोशिश करेंगे, और जिनके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी डिफाइंड नहीं होगा, उसके लिए हम लोग यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन करने की कोशिश करेंगे. तो बेसिकली हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो पढ़ेंगे ही, जो एक्चुअल में आपका बाइलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, जो आप लोग स्टडी करते हो ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, एक्चुअल में इट इज अ बाइलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म. बट अगर जिसका बाइलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइंड नहीं होगा, फॉर दैट सिग्नल्स वी गो फॉर यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म. जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, लेकिन उसका डिस्कशन जो है मैं चैप्टर में ही करूंगा. जैसे जो 1 का है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आप लोग स्टडी करते हो 1/s, लेकिन 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइंड ही नहीं होता है, ठीक है ना. ये जो आप लोग स्टडी करते हो 1 का 1/s, वो एक्चुअल में उसका यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टडी करते हो. बाइलैटरल तो 1 का डिफाइंड ही नहीं होता है, ये मैं आपको डिटेल में एनालिसिस करवाऊंगा. ओके, नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो होगा प्रॉपर्टीज. हर एक सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तो आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए. कहां पर कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करनी है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लाप्लास में मैं कंसिडर करूंगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है ना. ये एक अलग से टॉपिक होगा आपके लिए. मैं आपके लिए प्रॉपर डेरिवेशन करूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल. उसके अलावा जो आपके बेसिक सिग्नल्स हैं, लाइक जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता होते हैं, याद होते हैं, जो आप अदर सब्जेक्ट में यूज करते हो, लाइक साइन, कॉस, ई की पावर -80, ओके, जितने भी सिग्नल्स हैं जिनके आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता होते हैं, उन सब के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले मैं यहां पर डिराइव करूंगा. ओके, तो ये चैप्टर जो है बहुत ईजी चैप्टर है,
ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए, बट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अदर सब्जेक्ट में इसका यूज बहुत ही ज्यादा है. ओके तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर के बाद हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे दैट विल बी जेड ट्रांसफॉर्म. ओके एक्चुअल में जिस तरीके से कंटिन्यूअस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म की इंपॉर्टेंस है उसी तरीके से डिस्क्रीट में जेड ट्रांसफॉर्म की इंपॉर्टेंस है. आप कह सकते हो कि ये काउंटर पार्ट है लाप्लास का डिस्क्रीट में. ओके बिल्कुल सेम होता है आपका, जैसा लाप्लास था कंटिन्यूअस में वैसी जेड होता है आपका डिस्क्रीट में. तो यहां पर भी एक्चुअल में जिन सिग्नल्स के डीटीएफटी डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइंड नहीं होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए आप जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए कोशिश करते हो. तो जेड ट्रांसफॉर्म में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका आरओसी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है ना, कहां पर जेड ट्रांसफॉर्म डिफाइंड होगा कहां पर नहीं होगा, ये सारी चीजें आप जेड ट्रांसफॉर्म में स्टडी करते हो. ओके जेड ट्रांसफॉर्म अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यस, अगर सिर्फ सिग्नल सिस्टम की बात करूं तो ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन इससे ज्यादा पूछे गए हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कंपैरिजन में, ठीक है. तो यहां से आप 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन या 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगर हर साल एक्सपेक्ट ना भी करो तो एक एक साल के गैप में तो जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो आप जेड ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस. ओके यहां पर जेड ट्रांसफॉर्म में भी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा प्रॉपर्टीज, क्योंकि हर एक जेड ट्रांसफॉर्म को आप डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो वाया फॉर्मूला, तो आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से अंडरस्टैंड करनी आनी चाहिए, ठीक है. जेड ट्रांसफॉर्म में आप एक और इंपॉर्टेंट चीज स्टडी करोगे कि आरओसी के बेस पे आप बताओगे कब आपका सिस्टम स्टेबल होगा और कब आपका सिस्टम अनस्टेबल होगा. ओके इसके अलावा आप जेड ट्रांसफॉर्म में एक एक्स्ट्रा टॉपिक स्टडी करते हो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म. ओके जो होता है आपका फिल्टर डिजाइन. ओके तो यहां पर बेसिकली हम लोग IIR फिल्टर का एनालिसिस करेंगे. ओके इन केस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म 4 फॉर्म है इसके, डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2, पैरेलल फॉर्म, कैस्केड फॉर्म, ये चारों के चारों फॉर्म हम लोग स्टडी करेंगे इन केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म. ओके तो जैसा मैंने आपको कहा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म से कंपैरिजन अगर आप करते हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है. लेकिन अगर आप गेट के जो बाकी सिलेबस पे अगर बोले इसका इफेक्ट तो इतना ज्यादा नहीं है जितना लाप्लास का इफेक्ट है. ओके नाउ अब अगर मैं यहां पर नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं चैप्टर नंबर 8 की, तो आप स्टडी करोगे डीटीएफटी डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म. जिस तरीके से आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टडी किया था कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, सेम आपको स्टडी करना है डिस्क्रीट में डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म. ओके तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म आपके लिए बिल्कुल जिस तरीके से लाप्लास और फोरियर में रिलेशन था ना कि जिनके फोरियर नहीं निकल सकते उनके लिए आप लाप्लास निकालते हो, उसी तरीके से जेड और डीटीएफटी में होता है. जिनके डीटीएफटी नहीं निकल सकते उनके आप क्या निकालते हो, जेड निकालते हो, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, डीटीएफटी आपका हर एक सिग्नल के लिए डिफाइंड नहीं होगा. ओके तो यहां पर डीटीएफटी में भी अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डीटीएफटी और अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे डीएफटी, दोनों का मिला के आप एक क्वेश्चन हर साल 2 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, ठीक है. डीटीएफटी टॉपिक में अगर बात करूं तो अगेन आपके लिए प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट होगी कि आप प्रॉपर्टीज इसकी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए, उनको अप्लाई करना सीख जाइए, ठीक है. जिस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड सिग्नल्स के फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाले थे कंटिन्यूअस में, वैसे ही हम स्टैंडर्ड सिग्नल्स के फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे डीटीएफटी में डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में. ओके यहां पर बहुत एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आप स्टडी करेंगे कि जो डीटीएफटी होता है उसमें जो एक्सएन होता है, मतलब जिसके लिए आप डीटीएफटी निकालते हैं, वो तो आपका डिस्क्रीट होता है, बट जब आप डीटीएफटी कैलकुलेट कर लेते हैं तो जो एक्स ओमेगा बनता है वो ऑलवेज आपका कंटिन्यूअस होता है एंड पीरियोडिक होता है, और इसका पीरियड ना ऑलवेज फिक्स होता है 2π पर, जिसको मैं आपको प्रूफ भी कराऊंगा. अगर आपको एग्जाम में दिया गया है कि ये डीटीएफटी है एक्स ओमेगा है और उसका पीरियड अगर 2π नहीं है तो समझ जाइए क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना, मतलब इसका पीरियड हमेशा 2π पर ही फिक्स होता है.
तो ये DTFT की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो DTFT में भी बिल्कुल जैसा आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म में स्टडी की, उतना लॉन्ग तो स्टडी नहीं करेंगे हम लोग, उतना डेप्थ में स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी सारे के सारे स्टैंडर्ड सिग्नल्स के DTFT हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करूं, DFT डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। एक्चुअल में जैसा मैंने आपको कहा, DTFT और DFT दोनों से मिलाकर आप हर साल एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर DFT है क्या? बेसिकली इट्स अ सैंपल्ड वर्जन ऑफ DTFT। ओके, मींस जब आप DTFT का सैंपलिंग परफॉर्म करेंगे तो आपको DFT आ जाएगा। ओके, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज होता है एनालिसिस में, वो ये होता है कि डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म आप XN के लिए ही कैलकुलेट करते हो, लेकिन यहां पर चेंज क्या होगा, जो आप पीछे किसी भी टॉपिक में नहीं स्टडी किए होगे, वो होता है आपका XN यहां पर पीरियोडिक होता है। ओके, तो यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ता है कि जिसके लिए आप DFT निकालते हो वो पीरियोडिक सिग्नल है, और जब आप DFT कैलकुलेट कर लेते हो तो जो आपको XK मिलता है वो भी आपका पीरियोडिक होता है, और खास बात क्या है कि वो डिस्क्रीट भी होता है। XN तो डिस्क्रीट था ही, आपको पता था अच्छे से, ठीक है ना, यहां XK भी डिस्क्रीट होता है। जबकि जब आप बात करते हो DTFT की, तो उसमें DTFT में X ओमेगा क्या होता था, कंटिन्यूअस होता था, यहां पर DFT में XK क्या होता है, डिस्क्रीट होता है। और वैसे भी अगर आपको बेसिक थ्योरी पता है, जब भी आप किसी की सैंपलिंग कर देते हो तो वो डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो DTFT आपका कंटिन्यूअस था, उसकी सैंपलिंग करने पर क्या मिल जाएगा, आपको डिस्क्रीट सिग्नल मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हम लोग को। ओके, तो ये आपका होता है DFT। DFT का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है ना, काफी बड़ा फॉर्मूला होता है, इसलिए यहां पर हम लोग एक फैक्टर का एनालिसिस करते हैं विच इज कॉल्ड ट्विडल फैक्टर। ओके, ट्विडल फैक्टर का एनालिसिस हमें करना होता है, WN से उसे हम शो करते हैं, ठीक है, और ट्विडल फैक्टर का ही यूज करके हम लोग DFT यहां पर कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट पीरियोडिक सिक्वेंसेस की। ओके, तो DFT आपका कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आपको बेसिक कोई डिस्क्रीट सिक्वेंस दिया होगा, पीरियोडिक सिक्वेंस दिया होगा, जिसका आपको DFT कैलकुलेट करना आना चाहिए, जो हम डिटेल में सीखेंगे, बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि DFT का कैलकुलेशन कई बार बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि विथआउट कैलकुलेशन आप कैसे DFT कैलकुलेट कर सकते हैं या DFT का आंसर निकाल सकते हैं। ओके, DFT में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी हम लोग और करते हैं विच इज कॉल्ड सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन। ओके, जो LTI सिस्टम में हम एनालिसिस करेंगे कॉन्वोल्यूशन का, वो आपका लीनियर कॉन्वोल्यूशन होता है बाय डिफॉल्ट, पर DFT में हम लोग एक और एनालिसिस करते हैं सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का। ओके, DFT में एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके लिए, वो ये होता है कि जो XN है वो पीरियोडिक है, तो हम लोगों को जो हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्क्रीट सिग्नल के लिए जो हम स्टडी करेंगे आपके लिए ऑपरेशन लाइक टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, ठीक है ना, टाइम रिवर्सल, तो ये ऑपरेशन हम लोग जो स्टडी करते हैं चैप्टर नंबर 1 में, वो XN नॉन पीरियोडिक के लिए एनालिसिस करेंगे। तो यहां पर जब XN पीरियोडिक है, ओके, तो जो बेसिक ऑपरेशंस हैं आपके, ठीक है ना, स्केलिंग शिफ्टिंग वगैरह, उसमें किस तरीके से चेंजेस आएंगे, क्या ट्रिक्स नई निकल कर आएंगी सामने, वो सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे यहां पर DFT के केस में। ओके, और DFT के लास्ट टॉपिक जो हमें स्टडी करने हैं वो ये स्टडी करना होगा कि DFT जो है उसका कैलकुलेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत सारे आपको मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन परफॉर्म करने पड़ते हैं DFT के कैलकुलेशन के लिए। ओके, तो इसका जो अदर वे है, क्या इसका हम लोग क्या सॉल्यूशन है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो होता है FFT, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसका भी हम लोग बहुत ही ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे। ओके, कि DFT में क्या लिमिटेशंस हैं और फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू वो किस तरीके से ओवरकम की जा सकती हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग DFT में एनालिसिस करेंगे। ओके, तो ये आपका चैप्टर नंबर 9 होगा, जिसमें आप लोगों को ये सारी चीजें स्टडी करनी होगी। और लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 में
हम लोग स्टडी करेंगे डीएफएस, डिस्क्रीट फोर ईयर सीरीज. अगेन एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो आप डीटीएफटी, डीएफटी और डीएफएस तीनों से मिलाकर एक ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ज्यादातर अलग अलग क्वेश्चन इनसे नहीं आते हैं. एक्चुअल में डीएफएस जो है वो डीएफटी ही है. अगर आपको डीएफटी आ गया ना तो डिस्क्रीट फोर ईयर सीरीज का जो कॉफिशियंट होता है आपका, हम लोग स्टडी करेंगे कॉफिशियंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं किसी भी फोर ईयर सीरीज के, तो जो आपका डीएफएस का कॉफिशियंट होता है वो बहुत आसान होता है, एक्स के अपॉन एन, जहां पर एन क्या है आपका नंबर ऑफ सैंपल्स या नंबर ऑफ सिक्वेंसेज इन एक्स के, ठीक है ना, या आप इसको टाइम पीरियड भी बोल सकते हो. ओके, तो वो हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे. तो यहां पर आप समझ रहे होंगे कि अगर आपको एक्स के पता चल गया, दैट मींस अगर आपको डीएफटी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म पता चल गया तो आपको डीएफएस का कॉफिशियंट पता चल जाएगा. ओके, तो बेसिकली डीएफटी और डीएफएस दोनों एक ही टॉपिक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में. फिर भी हम लोग डीएफएस में कुछ प्रॉपर्टीज का एनालिसिस करेंगे और दो से तीन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करेंगे डीएफएस में. ओके, तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट सिलेबस है सिग्नल्स एंड सिस्टम में जो आपको स्टडी करना है. ठीक है, कंप्लीट मैथमेटिकल सब्जेक्ट है ये. ठीक है, कंप्लीटली आप सारे ऑपरेशन ही देखोगे, पूरे कैलकुलेशन ही आपको करना है. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा बहुत आता है सब्जेक्ट को करने में. लेकिन अगर आप लोग फिगर वगैरह ड्रॉ करने में या फिगर में ऑपरेशन परफॉर्म करने में अगर आप इतने अच्छे नहीं हो तो आपको इसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट टफ भी लगता है जब वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं सिग्नल्स के ऊपर. ठीक है, तो मैं यहां पर रिपीट कर दूं आपको कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा बेस है इस पूरे सिग्नल्स एंड सिस्टम का. अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से नहीं समझा, अगर वो मिस हो गया आपसे, तो आप समझ लीजिए सिग्नल एंड सिस्टम आपका कंप्लीटली मिस हो गया है. ओके, तो ध्यान रखिएगा. तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, जहां पर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि व्हाट इज सिग्नल्स एंड व्हाट इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड व्हाट इज कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स. ओके, थैंक यू.